ओके ओके, तो अपन सोचे कि पहले एक सैंपल प्रोजेक्ट बनेगा, अगला का प्रस्थान अपना ऐसा ही होगा। ये अच्छा बना है, ये हम हमारे यहाँ भी कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ के सर घास वगैरह बहुत मिलते हैं, उसके चलना बहुत प्रॉब्लम आता है। और देखो क्या अंदर एंड तक अपनी ये कवर अगर निकालने की रहेंगी, एंड तक रोड जा सकते हैं ना पीछे से। नहीं नहीं यही अच्छा है। नहीं नहीं हमने सांगोला में कर दिए, सांगोला में हमें हमने वहाँ बुक्स उपलब्ध कर दिए हैं और हम लेक्चर को जाते थे महीने महीने। आपको यहाँ पे हॉल और बच्चे अवेलेबल कराते हैं। बस और उसकी यादी भी देता हूँ मैं, उसकी सबसे उतनी बुक आएंगे आ जाएंगे। नहीं हमारे ऑफिसर है ना, हम आते हैं इसको सामने बोले तो कोई भी अच्छा ऑफिसर अपने मिल सकता है गाइडेंस के लिए। पीछे जो अपन अभी ये क्यों अभी स्कूल शुरू नहीं, इसलिए बेंच ऐसे बोल रही है। वैसा अगर आप इस ट्रस्ट के माध्यम से निकालेंगे तो बहुत अच्छा है। हमारा कब भी सपोर्ट बना तो हम, क्योंकि हमने भी रजिस्ट्रेशन किया है, लेकिन उतना इतना ये नहीं होता होगा। आपको इतने सारे 17 एकड़ जगह तो फिक्र करेंगे तो बड़ा झीरो मिलेगा और हम उम्मीद उनसे पूरी रखते हैं।
एक अल्लाह का ऐसा नहीं कि मुल्ला साहब ने आकर खुद एक कदम हमारे लिए आगे बढ़ाया है कि कोई भी काम रहने दो करने के लिए मैं तैयार हूँ। हमारी जिम्मेदारी है कि हम 10 कदम आगे बढ़ाकर हमारे मुल्ला साहब के काम को साथ में। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई अफसर अपने को सपोर्ट करकर यहाँ पर यूपीएससी यूपीएससी सेंटर खड़ा करने के लिए अपने को उनके अफसर बनाने के लिए मेहनत कर रहा है तो पूरा साथ हम उनको देंगे। देखिए सब सर, इदारे के अंदर हम यूपीएससी का कोचिंग सेंटर या तो स्टडी सेंटर शुरू कर सकते हैं। तो साहब की इस सोच को, इस फिक्र को कामयाब लाने के लिए स्पोर्ट्समैन बने जो ओलंपिक में जाकर नीरज चोपड़ा बन सकते हैं।